हेलो धनंजय, आवाज आ रही है? हाँ जी क्लास स्टार्ट की जाए। यस सर। चलिए, गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग। आज हम लोग, चूंकि कल की क्लास में हम लोगों ने एरर हैंडलिंग पढ़ा था, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, कैसे यूज की जाती है, और वेब डेवलपमेंट में इसका क्या रोल है, तो आइए देखते हैं। ये स्क्रीन शेयर हुई क्या? यस ओके ओके। तो ये म्यूट कर लीजिए आप लोग अपना। तो देखिए क्या होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, या किस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम लोग यूज करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन आर यूज्ड टू चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ ए स्क्रिप्ट इफ ए स्पेसिफाइड एरर्स आकर्स। जो एक्सेप्शन होती है वो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को चेंज कर देती है जब कोई स्पेसिफाइड एरर्स जनरेट होती है या रेज्ड होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए पावरफुल मैकेनिज्म ऑफ ए पीएचपी। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है पीएचपी में, विच इज यूज टू हैंडल रन टाइम एरर्स। मतलब जब हम किसी एरर्स को रन टाइम हैंडल करते हैं उसे हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं, ठीक है। और जब कंपाइल टाइम हैंडल करते हैं उसको क्या कहते हैं? एरर कहते हैं, ठीक है। सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन, और हम प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इज टू मेंटेन द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन। जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है या पर्पज है वो हम ये है कि हमारे प्रोग्राम में यदि कोई एरर आ भी जाए तो हमारा प्रोग्राम अब नॉर्मल कंडीशन पर बंद ना हो जाए, वो उस प्रॉब्लम्स को हमको बता दे और नॉर्मल तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए। तो अब आते हैं व्हाट इज एन एक्सेप्शंस। तो एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ ए प्रोग्राम। एक्सेप्शंस क्या है? जिसकी हम उम्मीद नहीं करते वो हमारे प्रोग्राम के साथ हो जाए उसे हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं। विच कैन बी हैंडल्ड बाई द प्रोग्राम इटसेल्फ, और जिसे प्रोग्राम खुद से हैंडल कर सकता है। बेसिकली एन एक्सेप्शन डिस्प्यूट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। जो एक्सेप्शंस होती है
वो आपके प्रोग्राम के नॉर्मल फ्लो को बदल देती है, चेंज कर देती है, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम एन एरर। लेकिन ये एरर से क्या है, अलग है, इनमें एरर्स में और इनके अंतर है। बिकॉज एन एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड, चूंकि एक्सेप्शन हैंडल की जा सकती है लेकिन एरर को आप हैंडल नहीं कर सकते, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली एरर्स को हैंडल नहीं कर सकता, जबकि एक्सेप्शंस को हमारे पास कुछ कीवर्ड्स या जो भी आगे मैं बताऊंगा उनके थ्रू एक्सेप्शंस ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्स हैंडल कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें, एन एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज एन एक्सेप्शंस, मतलब जो हमने उम्मीद किया है उस उम्मीद से दूसरा रिजल्ट आना उसे हम लोग एक्सेप्शंस कहते हैं, विच कैन बी हैंडल्ड बाई द प्रोग्राम इटसेल्फ, और जिसे प्रोग्राम स्वयं से हैंडल कर सके। एक्सेप्शन कैन बी थ्रोन एंड कॉट इन पीएचपी, पीएचपी में एक्सेप्शंस थ्रो होती है और उन्हें आसानी से हैंडल भी किया जा सकता है। तो बेसिकली जो एक्सेप्शंस हैंडल हो रही हैं या एक्सेप्शंस जो रेज होती हैं उन्हें प्रोग्राम इम्प्लिसिटली, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स जैसे अभी मैं आगे बताने वाला हूं आपको कि नॉर्मली कैसे कीवर्ड्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी या कौन कौन सी कीवर्ड्स आपको दी जाएंगी, क्योंकि एक्सेप्शन जो है अनदर लैंग्वेजेस, चाहे आप जावा को देख लीजिए, चाहे आप .NET देख लीजिए, चाहे ASP.NET देख लीजिए, उन सभी में इसका कॉन्सेप्ट हमें मिला है। तो आपको कीवर्ड्स थोड़ा सा तो याद ही होगा। अब मैं एक फिगर आपको दिखा रहा हूं, यहां पर प्रोग्राम मेरा यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट फ्लो मेरा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां पर आसानी से एक एक्सेप्शन थ्रोन हो जाती है, ठीक, ये एक्सेप्शन यहां पर क्या हो जाती है, थ्रोन हो जाती है। अब एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो क्या करेगा, यस ब्लॉक पे गए, फिर एक्सेप्शंस को यहां पर हमने क्या किया, हैंडल किया। यदि एक्सेप्शन हैंडल हो गई तो एग्जीक्यूट कैच ब्लॉक कोड और आपका ये फाइनली जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज यदि आपकी एक्सेप्शंस हैंडल नहीं हुई तो क्या करेगा, रिजल्ट फाटल एरर, मतलब अब नॉर्मल तरीके से आपके प्रोग्राम्स को वो क्या कर देगा, बाहर कर देगा। यदि एक्सेप्शन थ्रोन हुई और हमने हैंडल नहीं किया, तो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट फाइनली ब्लॉक कोड, ऑटोमेटिकली कोड आपका यहां पर वो क्या हो जाएगा, उसे वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, ये कोड यहां से आपका स्टार्ट हुआ, एक्सेप्शन थ्रो हुई, हमने हैंडल नहीं किया, हमसे हैंडल नहीं हुआ, वो जाके यहां बाहर कर दिया। एक्सेप्शन थ्रू ही हमने हैंडल करने की कोशिश की, जैसे कोशिश की, अगर एक्सेप्शन हैंडल हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होकर यहां आएगा और कैच ब्लॉक के साथ इसको हमें एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे देगा। यदि हम हैंडल नहीं कर पाए तो ये आके अब नॉर्मल तरीके से हमारे प्रोग्राम को फाटल एरर के रूप में रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक। अब Why need exception handling? Exception handling की जरूरत क्यों है हमें? PHP provides a powerful mechanism, चूंकि मैं पहले बता चुका हूं, exception handling. It allows to handle runtime errors such as IO exception, input-output exception, SQL exception और class not found exception. ये तीन चीजें ऐसी हैं जिन्हें handle करना आवश्यक है। Input-output exceptions के समय जब कोई problems आए तो उसे हम handle कर सकते हैं। SQL exceptions, जब हमारे डेटाबेस या डेटा डेटाबेस हैंडलिंग के टाइम पे कोई प्रॉब्लम आए, तो यदि हमारी कोई क्लास नहीं है और वो नहीं मिली और उस दौरान एक्सेप्शन जनरेट हो तो उसे भी हम हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन एन एक्सेप्शन इंटरप्ट्स द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम और एप्लीकेशन। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को इसलिए हमारे कंपल्सरी है क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को एप्लीकेशन हमारा एग्जीक्यूट कर सके। कभी कभी क्या होता है, अब नॉर्मली फाटल एरर आ जाती है और हमारे स्क्रिप्ट से हमको बाहर कर देता है। तो देखिए, मैं एक यहाँ पर प्रोग्राम आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ।
जिसमें हमने कुछ नहीं किया नॉर्मली वो प्रोग्राम अभी कोई उसमें एक्सेप्शन जनरेट होगी, हम उसको हैंडल बाद में करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए तो आइए देखते हैं हम लोग किस तरह से उस प्रोग्राम को हम देख सकते हैं। ये आपके स्क्रीन एक दिख रही होगी, ठीक है, दिख रहे हैं ना। तो देखिए बेसिक यूज ऑफ एक्सेप्शंस विदाउट कैचिंग, हम कोई कैच नहीं कर रहे, हम नॉर्मली एक एक्सेप्शन को यहां पर जनरेट कर रहे हैं। एक फंक्शन मैंने बनाया चेक नम नाम का और एक नंबर उसके अंदर पास किया। इफ नंबर ग्रेटर देन वन, यदि नंबर एक से बड़ा है तो थ्रो न्यू एक्सेप्शंस, थ्रो क्या हो जाए न्यू एक्सेप्शंस, वैल्यू मस्ट बी वन आर बिलो, तो क्या कहें वैल्यू ये तो एक हो या उससे कम हो, रिटर्न ट्रू और चेक नम टू। हमने यहां से जो वैल्यू पास किया वो दो पास किया, यहां क्या पास किया दो, तो कह रहा है नंबर ग्रेटर देन वन और बाकी नॉर्मल कहानी है। आइए इसको हमको रन भी करते हैं। लोकल होस्ट, पीएचपी प्रोग्राम, एक्सेप्शन विदाउट कैचिंग, ये क्या कह रहा है, फाटल ही रह रहे, अनकाट एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन विद मैसेज वैल्यू मस्ट बी वन आर बिलो, कह रहा है वैल्यू तो मैंने तुमसे कहा था कि एक या एक से कम दो, लेकिन तुम क्या पास कर रहे हो, आपने यहां पे देखा ना हम क्या पास कर रहे हैं, फाइव पास कर रहे हैं, ठीक है, हम तो यहां पर सॉरी हम टू पास कर रहे हैं। अब मैं यहां पर देखिए वन पास करके दिखा रहा हूं, ठीक है, चेक नाम, अब इसको हम लोग रन करते हैं। ये देख लीजिए कोई मैसेज नहीं आया क्योंकि हमने वैल्यू एक या एक से कम उसने बोला। अब आप बताइए मैंने गलती से यहां पर टू पास कर दिया था तो क्या करिया, एक मेरे को एरर दे दिया। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हम लोग एज की जगह कोई अल्फाबेट डाल दिया तो पूरा का पूरा प्रोग्राम लेके चला जाएगा। अरे भाई उसको हैंडल कर ले, उसको बता दे कि नहीं ये आपकी प्रॉब्लम है, आप यहां पर नंबर डालिए उसे, क्योंकि जब वैलिडेशन हम करते हैं ना तो वैलिडेशन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, मेन जो आईओ एक्सेप्शंस था ना तो वैलिडेशन में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करेंगे आइए आगे देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी में है। It changes the normal flow of the program when a specified error condition occurs. PHP offers the following keywords for this purpose. इस purpose के लिए PHP कुछ keywords हमको दे रहा है। पहला है try, दूसरा है throw, तीसरा है catch और चौथा है finally. इनको आपने Java में भी पढ़ा है और .NET में भी पढ़ा होगा, ASP.NET में भी आपने पढ़ा होगा। तो ट्राई, थ्रो, कैच और फाइनली चार कीवर्ड्स हमको प्रोवाइड, बेसिकली हमारे पास कीवर्ड्स पीएचपी के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, ट्राई, थ्रो और कैच, फाइनली तो जस्ट एक ऐसे फारसे कि हमने ऐसे मतलब है, इसका कोई रोल बेसिकली नहीं क्योंकि कैच है हमारे पास तो फाइनली का कोई ज्यादा रोल नहीं रह जाता है। तो देखिए ट्राई क्या होता है, ये एक ब्लॉक है, इसमें हम वो कोड लिखते हैं जिसमें इरर जनरेट हो सकती है। अब आप कहेंगे कैसर हम कोई भविष्यवक्ता कि हमको पता चल जाएगा कि ये इरर जनरेट कर सकता है, तो फिर इससे अच्छा कि आप प्रोग्रामिंग ही ना करिए, क्योंकि प्रोग्रामर क्या होता है, आउटकम एक्सपेक्टेड, उम्मीद के सहारे वो जीता है कि मेरा ये आउटकम होगा, तो मुझे ये पता हो कि मैंने वो डिजाइनिंग की हुई है तो मुझे मालूम है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक इरर दे सकता है।
कैच, ये भी एक ब्लॉक है जिसमें हम एक्सेप्शंस को कैच करते हैं। ट्राई के द्वारा एक्सेप्शंस को हैंडल किया जाता है, कैच करने के बाद इसके थ्रू पास कर दिया जाता, प्रिंट करा दिया जाता है। थ्रो ये एक कीवर्ड है और ट्राई ब्लॉक के बाहर से एक्सेप्शंस थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब ट्राई ब्लॉक के बाहर से जो भी एक्सेप्शंस आएगी उसे थ्रो करने के लिए यूज किया जाता है। फाइनली एक्सेप्शंस को हैंडल करने के बाद यदि आप कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो इस ब्लॉक में रखते हैं। मतलब कैच के बाद फाइनली आप लिख देते हैं तो कैच क्या करेगा, उसको हैंडल कर लेगा और फाइनली एक मैसेज आपको प्रिंट करके दे देगा कि आपका एग्जीक्यूशन इस तरह से स्टार्ट होगा। अब तो कुछ फंक्शंस हैं एक्सेप्शंस क्लास के जिन्हें हम यूज करते हैं। पहला है गेट मैसेज, ये एक्सेप्शंस को एक्सेप्शंस का मैसेज प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है गेट कोड, किस कोड में एक्सेप्शन है उसको हैंडल करने के लिए। गेट फाइल, किस फाइल में है उस फाइल का सोर्स नेम। गेट लाइन, किस लाइन में है उसके लिए गेट लाइन का यूज किया जाता है। गेट ट्रेस मतलब nth नंबर ऑफ अरे बैक ट्रेस, जैसे आप लोग कंपाइल करते थे तो ट्रेसिंग करने के लिए कि कहां पर उसको यूज किए, सॉरी कहां पर वो प्रॉब्लम्स है। गेट ट्रेस एज स्ट्रिंग और उस ट्रेसिंग को स्ट्रिंग के रूप में यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो एक्सेप्शंस पिछला प्रोग्राम जो अभी हमने देखा है तो उसको अब हम हैंडल करके देखेंगे कि किस तरह से वो हैंडल होगा। दिख रहा है आप लोगों को प्रोग्राम नहीं वाला, देखिए फंक्शन यही प्रोग्राम था आपका, फंक्शन चेक नम और नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन वन, यदि ऐसा है तो क्या मैसेज दे दे, वैल्यू मस्ट बी वन आर बिलो, ये एक्सेप्शंस आ जाएगी अगर एक से ज्यादा नंबर है। और यदि ऐसा नहीं है तो अब हम ट्राई ब्लॉक में रख देंगे। क्या ट्राई ब्लॉक में रखा, क्योंकि ये एरर दे रहा ना, चेक नम फाइव। यदि नंबर इसको हमने दिया, इफ यू सी दिस द नंबर इज वन आर बिलो, जो आप नंबर दे रहे हैं आप देख लीजिए वो नंबर एक या एक से कम है। कैच, ये ट्राई ब्लॉक को यहां से, ये ट्राई ब्लॉक में इसको सेंसिटिव कोड यही था हमारा, कैच एक्सेप्शंस ई इको मैसेज, अभी गेट मैसेज हमने पढ़ा ना, इस गेट मैसेज के थ्रू इस मैसेज को प्रिंट करा देंगे। अब मैसेज क्या आएगा वो देखें, क्योंकि अभी हमने क्या पास किया हुआ, फाइव पास किया हुआ, और फाइव जब हमने टू पास किया था तो उसने एक्सेप्शंस कितनी सारी एक्सेप्शंस रख के दिखाई थी ना आपको, ठीक है। तो मैं दोनों प्रोग्राम अभी रन करके आपको दिखा रहा हूं, वो तो बेसिकली रुकिएगा शायद वो प्रोग्राम देखिए, मैं फर्स्ट टाइम पहला वाला प्रोग्राम ये देखिए, ये फाटा लीडर है, इसमें क्या क्या मैंने किया कर रखा है मालूम है आप लोगों को, ये मैंने वैल्यू वन ही फाइव पास किया हुआ है, ठीक। अब दूसरे वाले प्रोग्राम में भी मैंने फाइव पास किया था, लेकिन उसमें क्या होगा, आइए देखिए उसमें देखिए क्या होगा। क्योंकि अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, हैंडल कर रहा हूं, ये मैसेज वैल्यू मस्ट बी वन आर बिलो, आपके प्रोग्राम में आप देखिए ये आपने मैसेज दिया हुआ है थ्रो न्यू एक्सेप्शंस में, आप देखिए इस प्रोग्राम में आपने दे रखा है वैल्यू मस्ट बी वन आर बिलो। अब मैं यहां पर इसकी वैल्यू को क्या कर रहा हूं, मैं इसकी वैल्यू को वन कर रहा हूं सीधे सीधे, ठीक है वन, और इसको सेव कर दे रहा हूं। अब देखिए क्या आंसर ये देगा मेरे को,
वन सेव किया मैंने, मैसेज इफ यू सी दिस द नंबर इज वन आर बिलो, वो कह रहा है आप देख सकते हैं कि आपने जो नंबर दिया तो वो ऑटो वन है, एक है, एक से कम ही है। देखिए पहले वाले प्रोग्राम में क्या हुआ, मैं एक दिया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, मैंने एक की बजाय दूसरी वैल्यू दी तो मेरे को प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। वही हैंडलिंग है कि हम ट्राई और कैच के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। एक और प्रोग्राम देखते हैं इसी के साथ। सर इस प्रोग्राम का मेन मतलब सर क्या था, वर्क क्या कर रहा था सर? कौन ये? यस सर, इसका मतलब सर। हाँ सर, एक प्रॉब्लम और भी आ रही है। सर हमने जो कंडीशन दिया हुआ है, इफ मैं वो नंबर ग्रेटर देन वन दिया हुआ है, तो सर अगर हम नंबर वन पास कर रहे हैं तो वैल्यू ट्रू होके अंदर कैसे जा रहा है सर, क्योंकि हमने तो ग्रेटर देन वन दिया हुआ, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन दिया हुआ है। सर वो चीज नहीं समझ में आ रही सर, पिछले प्रोग्राम भी यही था। देखिए हमने क्या किया हुआ है कि एक फंक्शन, स्क्रीन शेयर है आपके सामने? यस सर। हाँ हाँ स्क्रीन के लिए है, स्क्रीन शेयर है ना ये प्रोग्राम? सर प्रोग्राम दिख रहा है आप लोगों को? जी दिख रहा है। हाँ ठीक, देखिए ये फंक्शन है चेक नम जी, ठीक है। ये नंबर तुमने पास किया, मैं पहले वाला प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, दूसरा प्रोग्राम में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर, इसमें भी और उसमें भी दोनों में वही मतलब। हाँ तुम्हें मेरी बात, अरे मेरी बात तो सुनिए। इफ नंबर ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो यहां पर तुमने क्या पास किया हुआ है, वन पास किया है, ये पास है ना वन, ये देखिए वन पास है। इसको मैंने इस प्रोग्राम को मैं सिर्फ रन कर रहा हूं, ठीक है ना, पहले मैं इसी बस को रन कर रहा हूं, वन पास है, सेव है उसी तरह से। ये स्क्रीन आपको दिख रही मेरी, ये वाली जो क्या बोलते हैं आपका प्रोग्राम वाली दिख रही है अभी, आउटपुट वाली नहीं दिख रही? हाँ एक मिनट जस्ट नहीं सर, प्रोग्राम विंडो दिख रही अब, अभी दिख रहा है? यस सर। चलिए ठीक है, अब आप हाँ ये इसने क्या किया, कुछ आंसर दिया क्या आपको? नो सर, नो सर, कुछ नहीं दिया ना? यस सर, कोई आंसर नहीं दिया ना? अरे जावेद, सॉरी जावेद क्या नाम इसका, जावेद ना जी, जुनैद। हाँ जुनैद, अभी क्लियर हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट? अभी क्लियर हुआ तुम्हारा कॉन्सेप्ट? यहाँ पर कहाँ अंदर जा रहा है वो, अंदर जा कर रहा है वो भी, लेकिन उतने टाइम वही जा रहा था सर, अंदर ही एग्जीक्यूट कर रहा था, वन देने पर भी वही दे रहा था। मैं मस्ट बी वन, हां मेरी बात सुनो, वो दूसरे प्रोग्राम में जब एक्सेप्शन हैंडल किया तब का वो कॉन्सेप्ट है, ये विदाउट हैंड, ये क्लियर हो तुम्हारा? ये बताओ पहले, ये क्लियर है? टू करके देखें इसी में। हां इसी में टू करके देखूं, ठीक है एक मिनट रुको, ये मैंने टू कर दिया, सेव कर दिया और ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, अभी ठीक है? अभी ठीक है यहां पर? यस चलो, यस सर ठीक। अब मैं इसके हैंडलिंग पे चलता हूं, हैंडलिंग वाला प्रोग्राम दिखाता हूं, ठीक है, कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। मैं वो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपको, हैंडलिंग ये देखिए। अब आप यहां पर देखिएगा, फंक्शन चेक नम नंबर, इफ नंबर ग्रेटर देन वन थ्रो न्यू एक्सेप्शंस, मैसेज क्या दे रहा है, वैल्यू मस्ट बी वन आर बिलो, वो कह रहा है आपकी वैल्यू वन हो अथवा उससे कम हो, ठीक। इसके बाद ट्राई मैंने लगाया, चूंकि ये सेंसिटिव केस था, यहां से वैल्यू पास हो रही थी
ठीक है, तो चेक नम मैंने यहां पर कर दिया, अब आपका फाइव कितना कर दिया, फाइव, ठीक है। फाइव करने के बाद इसको कैच एक्सेप्शंस ई इको मैसेज गेट मैसेज, जो भी मैंने फंक्शन बताया ना गेट मैसेज बिल्ट इन, वो उसमें जो भी मैसेज देगा उसको आपको प्रिंट करके वो दे देगा जुनैद, और वो क्या नाम उसका, वो फाइव बी सी का लड़का जो यस सर सुन रहे हैं। हाँ, अभी अभी इतना क्लियर है तुम्हारा? यस सर ठीक, इसको इसी बस को मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। लीजिए आप स्क्रीन देखिए, पांच मैंने पास किया हुआ है विथ हैंडलिंग, ये मैसेज दे रहा है आपका वैल्यू मस्ट बी वन आर बिलो, क्योंकि तुमने वैल्यू कितनी पास किया है, फाइव, ठीक है। अब मैं यहां पर वैल्यू दे देता हूं वन। जुनैद का काम था कहना था कि सर जब इक्वल नहीं लगाया आपने, तुम दोनों का कहना था इक्वल आपने नहीं लगाया तो ये ब्लॉक क्यों एग्जीक्यूट कर, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है भैया, ये देख लो, ये इको इफ यू सी दिस द नंबर इज वन आर बिलो, ये प्रोग्राम वाली विंडो नहीं दिख रही सर, सॉरी एक मिनट, वो ये मैसेज पास कर रहा था उतने टाइम, अभी दिख रही है, यस हाँ, ये मैसेज था, ये मैसेज था, ये देखिए, इफ यू सी दिस द नंबर इज वन आर बिलो, क्लियर, वो ये मैसेज पास कर रहा था, वो ये मैसेज इसका नहीं पास कर रहा था, यहां आगे नहीं चेक कर, वो चेक देखा नंबर एक मिनट में उसने इस मैसेज को पास किया, इसको इफ यू सी दिस द नंबर इज वन आर बिलो। देखो मैं इसी प्रोग्राम को अब फिर से सेव करके रन कर रहा हूं, सेम इसी प्रोग्राम को, ये देखिए, इफ यू सी दिस द नंबर इज वन आर बिलो, आप देख लीजिए कह रहा है कि नंबर एक या एक से विंडो नहीं शो कर रही है, नहीं कम कर शो कर रही, एक मिनट विंडो आउटपुट, हाँ हाँ ठीक है अभी शो कर रही है, यस सर, कौन बोल रहा है, हेलो जी सर, बोल रहा आवाज नहीं आ रही, जुनैद बोल रहा है ना, हाँ जुनैद, अभी क्लियर हुआ क्या तुम्हारा, सर ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है सर, कुछ आउटपुट विंडो नहीं दिख रही, ये तुम कह रहे हो ना, आउटपुट विंडो नहीं दिख रही, ये कह रहे हो, आउटपुट विंडो सर आउट दिख रही है, लेकिन जब ओके हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता हो, तो देखिए जो तुम जुनैद कह रहे थे कि इक्वल नहीं लगा, फिर वो ट्रू और फॉल्स ब्लॉक नहीं देख रहा, वो सिर्फ हैंडलिंग ब्लॉक देख रहा है कि ट्राई ब्लॉक में, जो मैं देखो ये स्क्रीन तुमको शेयर कर रहा हूं, यहां पर तुम देखो ये कहानी है इसकी, ये वाला मैसेज वो यहां प्रिंट कर रहा है कि भैया उसने देखा चेक नम वन, यस इफ यू सी दिस द नंबर इज वन आर बिलो, ठीक है, और इसको कैच किया एक्सेप्शन ई और ई डॉट गेट मैसेज को यहां पर प्रिंट कर दिया, ओके सुमित ना, हाँ सुमित, यस सर, क्लियर है, आगे बढ़ू, यस सर, ओके सर, जब एरर आएगी तो, हेलो, हाँ हाँ बोलो, जब सर एरर आएगी तो कैच ब्लॉक पे आएगा, जब एरर आएगी तो वो प्रोग्राम को मेरे नॉर्मली एग्जीक्यूट होने देगा, टर्मिनेट, यस सर, यस सर, वो टर्मिनेट नहीं करेगा, प्रोग्राम मेरा कंटिन्यू चलेगा, एरर को हैंडल कर लेगा बस, पिछली वाले में देखा तुमने एरर आ जाती है स्क्रिप्ट आउट कर देता है, इसमें एरर, अब यहाँ पर तुम्हें अगर तुम्हें और देखना तो यहाँ डेट इको लगा देना, इको लगा के और इसके बाद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, तुम देख लेना कैसे करता है, ठीक, यस सर, मतलब ये जब सर एरर आएगी, मतलब कुल मिलाकर सर प्रोग्राम कैच वाले ब्लॉक पे सर कब आएगा, हाँ प्रोग्राम ये यहाँ पे जब एरर वो एक्सेप्शंस वहां से रेज करेगा, ये थ्रो न्यू एक्सेप्शंस रेज हुई, उसने क्या किया, इसको पकड़ाया और कह रहा तुम मैसेज प्रिंट कर दो, जब नहीं आई तो उसने इसको प्रिंट करा दिया, ये मैसेज प्रिंट करा दिया, ठीक, ओके ओके चल,
नेक्स्ट जुनैद है क्या? जुनैद जुनैद हाँ जी सर, क्लियर है तुम्हारा कॉन्सेप्ट? हाँ सर क्लियर। चलिए आगे, अब देखते हैं, देखिए ये तो हो गई नॉर्मली। अब मैं देख रहा हूं क्रिएटिंग कस्टम एक्सेप्शंस, मतलब हम अपनी खुद की भी एक्सेप्शंस को क्रिएट करके उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह पीएचपी में भी कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर का कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए सेट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलर फंक्शन का यूज किया जाता है। सिंटैक्स इसका देखिए, सेट एक्सेप्शन हैंडलर जो भी हो, यहां पर एक्सेप्शंस आप दे देते हैं अपनी खुद की। फिर एग्जांपल है, आप देखिए सेट एक्सेप्शंस हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर, जो भी ब्लॉक तुम सॉरी जो भी मैसेज तुम प्रिंट कराना चाहोगे। सर स्क्रीन नहीं शो कर रही है। ओके ओके जस्ट जस्ट अभी शो रही? यस सर। ओके तो देखिए क्या होता है, सिंटैक्स इसका है सेट एक्सेप्शन हैंडलर एक्सेप्शंस, जो भी तुम दोगे उसकी वैल्यू यहां पर पास कर दी जाती है। सेट एक्सेप्शन हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर, जो भी मैसेज तुम्हारा होगा उस मैसेज को यहां पर हम यूज कर लेते हैं। तो आइए इसका कस्टम एक्सेप्शंस का एक पहला छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, क्रिएटिंग कस्टम एक्सेप्शंस फंक्शन एक्सेप्शन हैंडलर, ठीक है, ये नाम मैंने यहां दिया एक्सेप्शन हैंडलर, और ये एक वेरिएबल पास कर दिया डॉलर एक्सेप्शंस। इको अनकाट एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शन गेट मैसेज, ये जो एक्सेप्शंस यहां आएगी ना उसको मैसेज जो भी होगा उसको यहां पर वो रख देगा। अब देखिए सेट एक्सेप्शन हैंडलर क्या है, एक्सेप्शन हैंडलर, ये जो मैसेज फंक्शन तुमने बनाया उस फंक्शन को यहां पर तुमने सेट किया है, और क्या मैसेज दे रहे हो, मैसेज तुम्हारा है, देखो यहां पर थ्रो न्यू एक्सेप्शन अनकाट एक्सेप्शंस, ये मैसेज तुम्हारा है, ये सिस्टम का मैसेज नहीं है, ये तुम्हारा मैसेज है, ठीक। जब इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये गेट मैसेज क्या करेगा, अनकाट एक्सेप्शंस को ये, हाँ अमित शुक्ला को क्या प्रॉब्लम है, अमित शुक्ला? यस सर। हाँ क्या प्रॉब्लम तुमको? नहीं सर कुछ नहीं। हाथ क्यों ऊंचे क्यों भाई? नहीं सर उसमें नाम चेंज कर रहा था तो वही। अरे भाई ये सब पहले कर लिया करो, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट मत किया करो क्लास टाइम पे। तो देखिए ये मैसेज आएगा आपका अनकाट एक्सेप्शंस, समझिएगा एक्सेप्शन हैंडलर नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया, उसमें एक आर्गुमेंट पास किया डॉलर एक्सेप्शंस, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने, इको अनकाट एक्सेप्शंस करके एक मैसेज आप प्रिंट करा रहे हैं, ये एक्सेप्शन जो ये तुमने किया इसके साथ गेट मैसेज, जो भी मैसेज आएगा, मैसेज मुझे नहीं मालूम क्या आएगा, आगे पता चल रहा है सेट एक्सेप्शन हैंडलर, और इस फंक्शन को इसके साथ पास कर दिया गया जो फंक्शन मैंने बनाया। फिर थ्रो न्यू एक्सेप्शंस अनकाट एक्सेप्शन, मैसेज मेरा ये है अनकाट एक्सेप्शंस, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं इस प्रोग्राम में। आइए देखिए इसको हम रन करते हैं। ये प्रोग्राम से कंडीशन प्रोग्राम जी एक्सेप्शन थ्रो एक्सेप्शन सर ये थ्रो हो गया, क्या हो गया ये सर, यहां जो थ्रो एक्सेप्शन लिखा था। हां हां सर ये लाइन नहीं, अरे यार ये लाइन आ जाएगी भाई, रिकॉर्डिंग चला जाएगा उसमें, क्यों इतना परेशान रहते हो, गलत लिखी थी मैं वही बता रहा था, गलत लिखा है। हाँ ये थ्रो एक्सेप्शन ये क्या देखो कहाँ पे, एक मिनट रुक रुक रुक, ये सेट एक्सेप्शन हैंडल के नीचे थ्रो एक्सेप्शन, कहाँ पर कहाँ पर कहाँ, लाइन नंबर की लाइन पे सर, लाइन नंबर 12। हाँ तो क्या होगा इसमें, थ्रो ये क्या है सर, थ्रो न्यू एक्सेप्शंस, न्यू एक्सेप्शन होगा ना, अरे वो थ्रो न्यू एक्सेप्शंस लिखा है भाई,
ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ तो थ्रो न्यू, अरे वो हो गया होगा ऊपर नीचे तुम, ठीक है चल। अब इसको देखते हैं रन करके, ठीक है। ये देखिए अनकाट एक्सेप्शन मैसेज था और ये आपने अपना मैसेज बनाया है कुछ, ये अनकाट एक्सेप्शंस। तो ये सिंपली हो गया, इसका एक लाइव मतलब एक्चुअल में काम कैसे करेगा वो जस्ट क्योंकि हमारे पास टाइम कम है मैं इसका प्रोग्राम तुरंत आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए क्योंकि ये तो मैसेज था, इस प्रोग्राम को आप जरा समझिएगा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके पास। ये एक फंक्शन है मेरे पास टेस्ट इवन नाम का, एक फंक्शन है उसमें एक मैंने वेरिएबल पास किया है नम, ट्राई ब्लॉक लगाया है इफ नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 1, यदि जो भी नंबर आएगा उसको मैं मॉडुल 2 करूं और रिमाइंडर मेरे पास क्या बचे 1, तो क्या मैसेज दे दे मेरे को, थ्रो न्यू एक्सेप्शंस पास्ड नंबर इज ऑड नंबर। बेसिकली अगर एक जीरो होता तो इवन हो जाता, ये मेरा मैसेज है पास्ड नंबर इज ऑड नंबर, ठीक है। आफ्टर थ्रो दिस स्टेटमेंट विल नॉट एग्जीक्यूट, ओके, इसके बाद वो आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर इको इफ यू सी दिस टेक्स्ट द पास्ट वैल्यू इज इवन, और यदि जो मेरे द्वारा नंबर पास किया जाएगा उसमें मॉडुलस क्या बचेगा 0, तो क्या कर दे वो तुरंत बता दे कि तुमने जो नंबर पास किया हुआ है वो क्या है इवन नंबर है, ठीक है। कैच एक्सेप्शंस ई, जो भी मैसेज आएगा ये गेट मैसेज उस मैसेज को पास करेगा। अब देखिए मैंने यहां पे दो वैल्यू पास, दो बार इसको कॉल किया, एक बार टेस्ट इवन को 19 नंबर पास किया, एक बार टेस्ट इवन को मैंने 12 नंबर पास किया। तो पहली बार में जब आएगा तो वो क्या करेगा ये मैसेज मेरे को देगा पास्ट नंबर इज ऑड नंबर और इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और दूसरी बार में क्या आएगा इफ यू सी दिस टेक्स्ट द पास वैल्यू इज इवन, चूंकि 20 है अगेन मैंने 20 रखा हुआ है, ओके। आइए देखिए इस प्रोग्राम को, देखिए आउटपुट ऑड नंबर के लिए एक्सेप्शंस मैसेज पास्ट नंबर इज ऑड नंबर, फिर उसने अगला कुछ भी वो जो इको लिखा था ना उस इको को उसने प्रिंट नहीं किया, जबकि जब मैंने 20 पास किया तो मॉडुलस वो 0 बचा, तो क्या किया इफ यू सी दिस द टेस्ट द पास्ट वैल्यू इज इवन नंबर, तुमने जब दूसरी बार पास किया है तो वो कह रहा है नंबर आपका क्या था इवन था, ओके ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी ओके चलिए। तो आज के लिए इतना ही काफी है, इस प्रोग्राम को सर सेंड कर देंगे क्या सर? यार वो तो मैं डेली अपलोड करता हूँ ना वीडियो, क्यों आप लोग नहीं देखते हैं क्या सर? देखते हैं सर। चलिए नहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पता है ये पूरी जो रिकॉर्डिंग ये क्लास पूरी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आप मतलब मेरे को तो डबल काम हो, मैं आपको पढ़ा भी ना इसमें पूरी रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको ये क्लास अपलोड कर दी जाती है यूट्यूब में जैसे नॉर्मली क्लास अपलोड होती थी, ठीक। तो अगर कहीं कोई मिस्टेक ये क्या होता आपका इंटरनेट मेरा इंटरनेट इंटरप्ट नहीं होगा, आपका हो गया मान लीजिए मेरी आवाज आप नहीं, तो ये पूरी रिकॉर्डिंग आप जैसे मैं यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ ना सेम पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लीजिए मेरी बात आप तक नहीं पहुंच पाई या कोई प्रॉब्लम हुआ या स्क्रीन शेयर नहीं हो पाया मैं बोल गया, तो यहाँ पर तो सब हो रहा है, ठीक है। तो कहीं अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई जितनी भी क्लासे मैंने 2-3 पढ़ाई है तो वो सब रिकॉर्ड होकर मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक। इसके बावजूद अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग मुझे जरूर बताएं, ओके ओके सर, ओके ओके सर। चलिए तो और किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को पूछना है, किसी को भी एंड करो मीटिंग, यस सर, ओके थैंक यू।